लग रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपको नई लोकेशन पे। तो भाभी जी यहाँ पे खड़े हैं, आज आए हैं रॉक गार्डन घूमने के लिए। अभी यहाँ पे टिकट काउंटर पे टिकट लेने। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं गोलगप्पे, भाभी जी का खिला रहे हैं पहली बार गोलगप्पे। ये पहली बार खा रहे, देखते हैं इनका एक्सपीरियंस खाने का। तो पहली बार खा रहे ना। तेरे को क्या लगा, खट्टा कि मीठा? बढ़िया लगी। तो आज के दिन बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ है क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड पे ज्यादातर भीड़ रहती है इधर। भाभी जी के लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमारे गांव में भी ऐसी ही पहाड़ियां होती है। यहाँ पे है जी वाटरफॉल, पहले भी मैंने शेयर की हुई है यहाँ की वीडियो, और जिसने नहीं देखी है मैं आई बटन में डाल दूंगी, प्लीज वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पहुंच चुके हैं दूसरी साइड, कुछ इस तरह है। ये देखिए अब तक पूर्णम इन पोरवा और पूर्णम दुगवा यहाँ पे। चलिए इस तरह का यहाँ से रास्ता। ये देखिए यहाँ से वाटरफॉल का नजारा कुछ इस तरह का है। हम अब इस साइड को आ चुके हैं, ये देख सकते हैं सीधी धूप पड़ रही है यहाँ पे। ये देखिए किस तरह का व्यू है। तो भाभी जी कैसा लग रहा है आपको? गंदा लगा, अच्छा भी लगा। गंदा क्या लगा आपको? मैं कुछ पहाड़ियों पे रह जाए, पहाड़ जैसा है। पहाड़ देखा हुआ है ऑलरेडी? मैंने पहाड़ देखा हुआ है। ये है विशिंग वेल, विशिंग वेल है ये। यहाँ पर देखिए सिक्के गिराए हुए हैं, कहते हैं कि अपनी यहाँ पर इच्छा मांगते हैं जो पूरी होती है। जो पीछे लगाई है सारी टूटी फूटी कप प्लेटें हैं, ये सारी वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है पूरा का पूरा जो रॉक गार्डन है। तो अभी हम चलते ही जा रहे हैं आगे आगे, भाभी जी दौड़ के जा रहे हैं क्योंकि इनको तो चलने की आदत है। हैं इस साइड, यहाँ पर भी बहुत बड़ा सा यहाँ पर वाटरफॉल आपको दिखाई दे रहा होगा। काफी लोग यहाँ पर पिक्चर क्लिक कर रहे हैं और भाभी जी भी वहाँ पर जा चुके हैं। तो भाभी जी थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा होगा यहाँ के? यहाँ तो अच्छा, अच्छा है ना। पानी देखो पीछे, ये पूरा का पूरा बनाया गया है, ये कितना अच्छा है। देखिए ये है यहाँ का ओपन एयर थिएटर रॉक गार्डन का, तो कुछ इस तरह का है। बाहर बैठा करते रहो फोटो। कुछ इस तरह का दिख रहा है ओपन एयर थिएटर। तो ये देखिए काफी ज्यादा इसमें क्रिएटिविटी का यूज किया गया है, श्री नेकचंद जी के द्वारा ये बनाया गया है। तो ये देखिए पीछे का वाटरफॉल, हमारे बिल्कुल पास में है वाटरफॉल। तो काफी अच्छा नजारा है पीछे का। आवाज नहीं आ रही होगी आपको, देखो कितने ज्यादा लोग आए हैं यहाँ पे। ये सारे लोग चलो चलते हैं आगे। तो ये देख सकते हैं आप, पहुंच चुके हैं हम बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे रॉक गार्डन के। तो यहाँ चलते हैं अंदर। मौसम है आजकल रॉक गार्डन घूमने के लिए। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का
मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। हजारों लाखों लोग यहाँ पर हर साल आते हैं इसको विजिट करने के लिए, तो नया एक्सपीरियंस मिलता है। एक बार ज़रूर आप आए, चंडीगढ़ आए तो रॉक गार्डन ज़रूर घूमें, तो कुछ अलग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बच्चे आए हैं काफ़ी यहाँ पे, इसलिए एक भी झूला खाली नहीं है। देखते हैं आगे मिलता है हमें झूला खाली या नहीं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं पीछे झूले ही झूले लगे हैं। भाभी जी को भी झूला झुलाते हैं अगर खाली मिला तो। तो ये देखिए, ये है डॉल म्यूजियम का मेन एंट्रेंस, यहाँ पर लिखा है डॉल म्यूजियम। तो यहाँ पर डॉल से बनाया गया है। ओ जोड़ी जोक्सी पे बढ़िया। क्या जोड़ी लग रही है। तो चलिए चलते हैं डॉल म्यूजियम के अंदर। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह की काइट्स वगैरह यहाँ पर लगाई गई है। पूरा का पूरा जितना भी ये आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा हैंडीक्राफ्ट है। झूला लेती हुई एक औरत, उसको भी दिखाया गया है। तो देखिए कुछ इस तरह का है डॉल म्यूजियम, बहुत सारी डॉल्स बनाई गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं गांव के सरपंच जी बैठे हैं। देखिए पालकी में इसके अंदर बैठी है दुल्हन। कुछ इस तरह का डॉल म्यूजियम में दर्शाया गया है। तो डॉल म्यूजियम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अलग सा लगा ना, थोड़ा नया है, नई चीज देखने को मिली। यहाँ पर स्टेयर्स बनाई गई है टूटी फूटी टाइलों से। जैसे यहाँ पर स्टेज है, यहाँ पर स्टेज है, जो भी यहाँ पर स्टेज शो वगैरह होते हैं तो लोग इंजॉय करते हैं इन स्टेज में बैठ के। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे चलते चलते हम शूट कर रहे हैं। ये देखिए कितने प्यारे, कितनी सुंदर कलाकृति की गई है नेक्चर जी के द्वारा। क्या है, टूटी फूटी कांच की जो हमारी चूड़ियां होती है, बैंगल्स होती है, उससे ये क्रिएट किए गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी बारीक, सॉरी कितनी बारीकी से काम किया गया है। ये देखिए, निकल चुके हैं पूरे भीड़ भाड़ से, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी आज के दिन यहाँ पर। अब मुझे जाना है आयु को लेने आयु के स्कूल, तो भाभी जी को मैं यहीं छोड़ूंगी क्योंकि वापिस ही यहीं से आऊंगी। तो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई।